बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, खुश आमदीद ऑन माई यूट्यूब चैनल। मौसम जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा हुआ है और बारिश से कपड़े जो हैं वो फुल भीगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। सुबह गांव आए थे हम अकेडमी पढ़ाने, लेकिन आज मौसम ख़राब था तो बच्चे जो हैं वो मेरे ख्याल में 4-5 आए हुए थे। तो अब ऐसा है कि हम जा रहे हैं अपने नए घर वापस, और जनाब मौसम जो है ना वो तो क्या बात है जी मौसम की, आपको भी मैं दिखाता हूँ कि मौसम जो है वो हमारे एरिया में आज कैसा है। मानी भाई को ना मेरे ख्याल में लग रही है ठंड, इन्होंने जैकेट भी पहनी हुई है, मैंने वो भी नहीं पहनी हुई। इंजॉय करना चाहिए थी, आप ठंड तो चली गई है ना, तो गर्मियों के मौसम जो है, गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है तो बारिश को इंजॉय करना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ जी मौसम कैसा है हमारे एरिया को। स्कूल बिल्कुल बंद है जी, ये गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है हमारे गांव का, और ये जी सामने कब्रिस्तान, हमारे गांव का कब्रिस्तान, इसके साथ ही जनाजागाह की तमीर हो रही है। गांव से बाहर निकलें तो गांव के एंड पे जो आखिरी रिहाइश आती हैं वो ये हैं इस तरह की, और मौसम आप देख लें बारिश और फुल मज़े जनाब। कुछ दिनों पहले ना मैंने और सुलेमान भाई ने, ये जो पीछे आपको छोटी छोटी क्यारियाँ नज़र आ रही हैं ना, यहाँ लगाई थी हमने सब्ज़ी। इसमें हमने बीज लगाए थे सब्ज़ी के, भिंडियाँ, करेले, कद्दू सकी, और भी 2-4 थे सकी निकल। तो अभी मानी भाई चेक कर रहे हैं कि पौधा जो है वो बीज से निकल रहा है कि नहीं। घर की जो सब्ज़ियाँ हमने लगाई थी ना, उनसे पौधे जो हैं वो बीजों से निकल रहे हैं। ये देखें, ये एक लाइन में लगे हुए थे, दो ये हैं, वो छोटे छोटे दो आगे भी हैं। और सुलेमान भाई बता रहे थे कि इस लाइन में भी हैं ये छोटे हैं। हाँ जी, ये वाह जी वाह, घर की सब्जियाँ इंशाल्लाह। भाई अभी निकला ये कौन सा जी, करेले का जी, करेले का लगाया था या नहीं? करेले का तो नहीं है। तजर्बा कामयाब जी मानी भाई का, गुड हो गया। हमारी गंदम की फसल, आपको एक फ़र्क दिखाता चलूं कि ये वाली जो है ना, ये हमारी है सारी पीछे तक जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन, अभी इसे पकने में टाइम है, लेकिन ये जो साथ वाली है इसका कलर देखें मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है, तकरीबन ये पकने वाली है। यानी हमारी गंदम काटने से पहले ये लोग जो हैं, ये वाली गंदम जो है ये यानी पहले तैयार हो जाएगी और ये काट लेंगे। फ़र्क आपके सामने है, देख लें, जो पहले काश्त हुई थी उनकी कटाई भी पहले होगी, हमने ज़रा लेट काश्त की थी तो इसलिए हमारी फसल की कटाई जो है वो ज़रा देर से होगी, यानी उससे देर से होगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसकी बनिस्बत हमारी गंदम की फसल की कटाई देर से होगी। मौसम देखें जी मेरे पीछे, बादल कैसे बने हुए हैं, सुबह से बारिश हो रही है हल्की हल्की, एक दफ़ा तेज़ भी हुई थी, लेकिन अब उम्मीद है कि जैसे ये देखें ना, चारों तरफ जो हैं वो बादल कैसे बने हुए हैं, और बादल यही बता रहे हैं कि बारिश होगी। खैर मौसम नहीं मैंने चेक किया,
नेट से कि मज़ीद कितने दिन बारिश है, लेकिन अब आसार यही नज़र आ रहे हैं कि बारिश मज़ीद होगी। बादलों का ना क्लोज़ व्यू मैं आपको चेक करवाता हूँ जूम करके। ये देखें जी, वाह जी वाह, बारिश होगी जी, मज़ीद बारिश होगी। अब जूम आउट करें तो ये वाला सीन कुछ ऐसे होगा। ये शाम के ना 6:45 हो गए, लेकिन बाहर अभी भी हल्की हल्की सी बारिश जो है वो हो रही है। हमारी तरफ तो आज मौसम ऐसा ही रहा बारिश वाला, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? जो मेरे व्यूअर्स हैं मेरी वीडियोस को देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाना था आज, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त की शादी हुई है शायद भाई की, और उनकी तरफ भी जाना था लेकिन मौसम ख़राब की वजह से नहीं जा सके। तो इसी के साथ से आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब दोस्त जो हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जितना आप मुझे सपोर्ट करते हैं उसके लिए जी बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी खसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।